हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है भारत और आज हम लेके आए हैं आपके लिए Top 30 MCQs फॉर GK ऑफ FAA के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड। हम Top 30 लेके आए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो कोशिश करना आप Top 30 में से 25 स्कोर करने की। तो चलो शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो कौन बने हैं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया इज द राइट आंसर। जिसने भी सी बताया बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है, इन विच सिटी वाज द ऑल इंडिया नेशनल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024। ये कहाँ पर हेल्ड हुई है। करंट अफेयर के देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो इसका भी जिसने भी मेरे भाई ने बी दिया है, बहुत अच्छी तैयारी है भाई आपकी। बी जयपुर इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा बी। अब चलेंगे नेक्स्ट, ये अभी बनाया गया है, पीछे हो सकता है इंपॉर्टेंट बन जाए आपके लिए। ऑन विच डेट, कौन सी डेट को इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है इंडिया में। इसका राइट आंसर जिसने भी दिया है डी, डी इज़ द राइट आंसर, 15 जनवरी को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट ये रहा, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है वो कौन से बिलोंग करता है, कौन से माउंटेन सिस्टम से बिलोंग करता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा रहेगा ए, फोल्ड माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, फोल्ड माउंटेन से बिलोंग करता है, इसका राइट आंसर रहेगा ए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैप का हर सेशन में एक क्वेश्चन डालता हूँ, तो आज डाला है भूटान के रिलेटेड। भूटान जो है वो सराउंडेड है कौन कौन सी इंडियन स्टेट से, इसका राइट आंसर कौन देगा। वीडियो रोक के एक बार अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दो भाई, वो मैप से क्वेश्चन हमेशा से बनता आया है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर रहेगा ए, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इसका राइट आंसर रहेगा ए। जिसने भी दिया आपका एक नंबर बढ़ेगा आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज है जो किसके बीच में है, लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में है डंकन पैसेज। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड लिटिल एंडमान, ये ए पार्ट इज़ द राइट आंसर है। और मैंने आपको पिछला जो सेशन लाया था उसके बीच में हमने स्लाइडें भी दी थी, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है ये बताओ। 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट बाई कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे जितने भी भाई जुड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी रिमार्क्ड ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन इंस्टेंट। अब इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब ये वाला जो है, महात्मा गांधी जी ने ये जो रिमार्क किया था ये कौन से ऑपरेशन के दौरान किया था, इसका क्या राइट आंसर रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर किसी भी मेरे भाई ने सी आंसर दिया है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है सी आपका, इसका राइट आंसर बनेगा सी, इसका राइट आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा सी। जिसने भी सी दिया एक बार इसको भी पढ़ लेना, तो उसका एक नंबर आज के सेशन में बढ़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली वायसराय, ऐसा कौन सा एक ही वायसराय है जिसको मर्डर कर दिया गया था अंडामंस में, एक जेल एक कैदी ने मार दिया था उनको। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जिसने भी दिया लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर, है ना, लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको यहाँ से भी पता होगा 1872 में सबसे पहला जो सेंसस करवाया था इनकम्प्लीट, वो इन्होंने करवाया था लॉर्ड मायो ने, तो इसका आंसर रहेगा ए, लॉर्ड मायो। अब ये पढ़ लो इसको नीचे एक बार। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड HSR, ए कहाँ फाउंड किया गया था इसको। तो क्या राइट आंसर रहने वाला, आज का जो है लेवल वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, आज देखेंगे कौन नंबर ज़्यादा टॉप करेगा। पता तो तब भी चलेगा जब आप कमेंट करोगे, कमेंट तो आप करोगे नहीं। आज देखते मेरे भाई कितने कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा डी, दिल्ली, सी दिल्ली इज़ द राइट आंसर।
जिसने भी सी दिया एक नंबर बढ़ेगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 को 8 और 9 सितंबर के बीच में, अगर मैं सही हूँ तो, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनी थी। अब ये नीचे लिखा है इसके बारे में, ये पढ़ लेना एक बार। तो भाइयों एक बात और कर लेते हैं, मेरा अपना चैनल भी है आपको पता ही है सबको, JKSSB स्टडी फॉर ऑल नाम से, तो उस पे भी मैंने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाला है। FWA के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट उसमें डाले हैं, तो भाई वो उसमें GK के भी एक दो प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, तो जाने से पहले एक बार उसको भी एक बार करके जाना, शायद उसमें से भी इंपॉर्टेंट बन सके, वो भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन के क्वेश्चन रखे थे उसमें। तो एक बार इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट उसमें से लगा के जाना, और GK के दो प्रैक्टिस सेट पड़े हैं वो लगा के जाना, तो उस पर भी एक बार विजिट करना मेरे भाई जितने भी हो सके। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार उस पर विजिट कर लेना भाई, JKSSB स्टडी फॉर ऑल, नीचे आपको लिंक में, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पर लिंक मिल जाएगा। अब है इन कंटेक्स्ट विद महायाना बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के दो सेक्ट है महायाना और हिनायाना। तो महायाना बुद्धिज्म फेथ में फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या है, जो आने वाला बुद्धा है उनका नाम क्या है? तो सी जिसने भी मैत्रेय दिया है इसका आंसर A1, उसका एक नंबर आज के सेशन में बढ़ गया है। और कौन है फ्लूट के साथ एसोसिएटेड, इनसे क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं, संतूर तबला इस तरीके से, ये किससे हैं, ये हैं तबला से, तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्लूट का, इसका आंसर रहेगा D, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ना, ये फ्लूट से एसोसिएटेड है, एक नंबर बढ़ेगा। जिसने भी बिस्मिल्ला खान इसका आंसर दिया गलत है, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। रविशंकर किससे हैं, रविशंकर प्रसाद संतूर से हैं या किसी और चीज़ से, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि इसका मैंने आपको कोई 4 या 5 बार जो पिछले सेशन गए हैं नीचे पूरा का पूरा मैंने स्लाइड लगा के बताया, पर आपने देखते हैं कि आपको पता है या नहीं, रविशंकर का आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। वट इज़ द नेम गिवन टू इंटरनेशनल, अब ये आसान सा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कलकत्ता का है जो नाम क्या है, इसका 5 सेकंड में आंसर कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और इसका राइट आंसर रहेगा ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। एज पर सेंसस 2011, 2011 के सेंसस के मुताबिक विच स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो बतानी है, ये सबको पता ही होगा, बी हरियाणा, हरियाणा की लोएस्ट सेक्स रेशियो है। अब कौन सी रिवर है जो, अब ये रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं ब्रदर, बनते रहते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ज़्यादातर रिवर सिस्टम पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करती है इन दी बिहार फ्रॉम दी साउथ, बिहार को करती है फ्रॉम दी साउथ से, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट सोन, अगर जिसने भी सोन दिया है एक नंबर आज के सेशन में बढ़ गया आपका। सोन रिवर ज्वाइन दी गंगा इन बिहार फ्रॉम दी साउथ, आज का थोड़ा मॉडरेट लेवल है, आज देखेंगे कि आप कितने नंबर बना सकते हो। अब हीराकुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, डिस्ट्रिक्ट नहीं है इधर, इन विच लोकेटेड ऑन विच रिवर, ऑन विच रिवर, अब इसका आंसर बताओ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी महानदी इज द राइट आंसर। हीराकुड जो है वो महानदी डैम के ऊपर बना है, हीराकुड है जो महानदी रिवर के ऊपर बना है। चलेंगे नेक्स्ट पे, आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आपने कर ही दिया होगा। अब ये नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने फिर डाल दिए हैं कि आपको कम से कम समय में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पता चल जाएँ। भाखड़ा नंगल जो है सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश, तेहरी जो है भागीरथी उत्तराखंड, हीराकुड महानदी उड़ीसा, नागार्जुन सागर कृष्णा आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात, कोयना कोयना रिवर महाराष्ट्र, बेलमेला बालीमेला ये है सिलेरू उड़ीसा। अब ये भाइयों ये अब नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन आएगा ये भूलना नहीं चाहिए किसी को भी, इनमें से इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। बीच कर्नाटक जो है कर्नाटका उसमें कौन सा डैम लोकेटेड है कर्नाटका में, क्या राइट आंसर रहेगा इसका, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका, एक नंबर आज के सेशन में बढ़ गया ईमानदारी से जिसने भी सही किया इसका आंसर। की पॉइंट्स, तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटका,
देर आर फाइव नेशनल पार्क है, 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका की ये दी हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये सब पढ़ लेना। सिरसलम जो डैम है ये आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्या में, मध्य प्रदेश मुला पेरियर डैम केरला में, ठीक है ये पढ़ लो एक बार। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वियर हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू विच प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू जो एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वियर क्रिएट किया गया है। आज के क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। जिसने बी दिया है बिल्कुल सही। अब इसको एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है कोलेरू लेक, कोलेरू लेक है ये कौन सी स्टेट में है। करो कमेंट, वेट कर रहा हूँ मैं। कोलेरू लेक है जो ये सी आंध्र प्रदेश में है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। कोलेरू इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा रिवर एंड गोदावरी डेल्टा एंड कवर्स एन एरिया 308 स्क्वायर किलोमीटर। अब लार्जेस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट लेक पूरे के पूरे डाल दिए गए क्वेश्चन, इसमें से जो भी बनेगा आप बना लोगे, ये पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, अगर कोई भी बना तो ये आप बना सकते हो मजे से। अब कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें रेन कास्ट होती है बाय लाइटनिंग स्टॉर्म कॉल चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम एक स्टॉर्म है जिसके कारण बारिशें होती है वहाँ पे, तो वो कौन सी स्टेट है इसका देखते हैं सबसे पहले। कौन सा भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, कौन कर सकता है इसका आंसर। चेरी ब्लॉसम का आंसर डी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही है, कर्नाटका इज द राइट आंसर, कर्नाटका इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग में, अब कौन सा मानसून है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल देता है इंडिया में, इसका क्या आंसर रहेगा। जिसने भी इसका आंसर दिया है बी साउथ वेस्ट मानसून इज द राइट आंसर, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। भाइयों कैसा है आज का सेशन, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो ब्रदर, इसी से मोटिवेशन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ्री में और आएंगे, एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, JKSSB स्टडी फास्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि आपको ऐसे ही गुबली लगे कि थोड़ा मुश्किल है, कुछ आएंगे कि बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही मुश्किल। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन तीन थोड़े थे डिफिकल्ट लेवल के, उसके बाद अब जो लास्ट क्वेश्चन आएंगे पांच, वो 10 सेकंड में आपने आंसर देने, क्योंकि वो बहुत ही आसान होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, कौन सी एक ऐसी क्रॉप है इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, इसका क्या राइट आंसर रहेगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा, क्या आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी बीटी कॉटन, इट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज गोल्डन, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है बताओ जी, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जूट, जूट इज द राइट आंसर, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल जूट को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है। अब ये इधर इसके बारे में सब कुछ लिखा है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टेट के बारे में पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब उनके बारे में ये पूछ लिया जाए कि सलीम अली थे कौन, कौन थे तो इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, क्या थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च इन 1973। अब इसका क्या आंसर बताएगा कोई, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बता सकता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, प्रोजेक्ट टाइगर इज द राइट आंसर। जिसने प्रोजेक्ट टाइगर दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में और ये पीएम इंदिरा गांधी के दौरान हुआ था। अब ये क्वेश्चन पांच क्वेश्चन आसान है, 10 सेकंड में आपने इसका आंसर देना है, सिर्फ 10 सेकंड आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन
आपको पता ही है जो जिस तरीके से लेवल आता है, आधे मुश्किल आधे आसान, और कुछ आसान भी होते हैं, आसान गलत करके नहीं आना, बाकी तो चलता ही रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इफेक्टिव ऑन, कब इफेक्ट में आ गया था ये? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा अक्टूबर 31, 2019। तो इसका ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। अब ये इसके बारे में लिखा है कुछ, ये पढ़ लेना एक बार। अब ये क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश? सिख्स एंड ब्रिटिश ने कौन सी ये की थी ट्रीटी साइन मार्च 9, 1846 को? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। महाराजा हरि सिंह, ये क्वेश्चन स्टाक असिस्टेंट में देखने को मिला था और मैंने करवाया भी था, मैंने ये क्वेश्चन इसी तरीके से करवाया था और उधर पूछने को मिला था कि किसने साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था, तो वो क्वेश्चन सही हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बना था, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन अक्टूबर 26, 1947। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ड्यूरिंग विच, अब ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं, ड्यूरिंग विच कारकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग विजिटेड? तो इसका राइट आंसर रहेगा दुर्लभवर्धना, ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी सिटी जम्मू एंड कश्मीर में कहा जाता है नोन एज द सिटी ऑफ टेंपल? कौन सी सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ टेंपल? तो इसका राइट है जम्मू, जम्मू इज़ द राइट आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जिसको कहा जाता है क्राउन ऑफ इंडिया? तो क्राउन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, इसका आंसर दोगे आप कमेंट सेक्शन में, जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है भाई, आज की जो क्लास है वो ख़त्म हुई, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट किस कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको फुल FWA GK का चाहिए या कोई अलग से एक किसी एक टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी, और भाई मेरे जितने भी जुड़े हैं एक काम अगर कर दो आप, फिर तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि मेरे से तो वो होगा नहीं। JKSSB स्टडी फॉर ऑल नाम से आपका ही चैनल, अगर उसको आप करोगे तो उसमें फ्री प्रैक्टिस सेट पड़े हैं आपके लिए, तो अगर वो करोगे तो आपको इंग्लिश के फ्री प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के भी 2-3 प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएंगे, और उनको लगा के जाना है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सा देखने को मिल सकता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने स्कोर कितने किए आपने वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आज का लेवल कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बता देना। बाय बाय, टेक केयर।